अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम लोग। समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा बेटा, बातें नहीं, इस जगह पे, इस छोटी सी जगह पे कुछ छोटा सा इमेज आ रहा होता है, यानी वेबसाइट्स अपना मोनोग्राम यहाँ पे लेके आती हैं। टेक्स्ट तो मैंने बता दिया था टाइटल के ज़रिए से आएगा, लेकिन अगर आपने इस जगह पे अपना छोटा सा कोई इमेज लेके आना, एक तो ये कि सिंपली ये जेपीजी फाइल नहीं होगी कभी भी, ये आइकन फाइल आएगी यहाँ पे। तो नेट से सर्च कर लें अगर आपने लगानी हो तो। अभी मेरे पास फ़िलहाल जो पड़ी है, एक फ्लैग पड़ा है, मैं उसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। और ये वाली चीज़ हमेशा हम लोग, मैंने कहा था कि जो पेज से बाहर की चीज़ें होती हैं वो हम लोग कौन से सेक्शन में देते हैं, हेड के सेक्शन में। एक तो चलो यहाँ पे टाइटल भी दे देते, मैं कह देता हूँ टाइटल क्या होगा जी, चलें कह देते हैं हम जी रेंजर कैंपस, ठीक है। देखिए अभी मैंने इसमें चेंज किया, तो एक तो यहाँ पे रेंजर लिखा हुआ आ गया, रेंजर कैंपस, और इस जगह पे फ्लैग भी आ गया छोटा सा। तो दो बातें मैंने बताई, एक तो ये कि ये सिंपली यहाँ पे जेपीजी फाइल नहीं आनी या बीएमपी फाइल या जिप फाइल नहीं आनी, यहाँ पे आप लोग आइकन फाइल इस्तेमाल करेंगे। सिंपली अगर गूगल में जाके आप आइकन फाइल लिख दें, स्टेरिक डॉट आई सी ओ लिख दें, तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी। हाँ वो कर सकते हैं आप, कन्वर्टर्स मिल जाते हैं जो कि आइकन्स बना देते हैं, वो आप कोई ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, अपनी अगर पिक्चर लगानी है आपने तो आइकन उसको में चेंज करने के बाद उसको लगा लें। अच्छा एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी हम एक और चीज़ देखने लगे हैं कि हमें कलर्स, हमने यानी बैकग्राउंड कलर पेज का सेट करके देखा था, तो हमें कलर्स 10, 12, 15, 20 या 25 याद होते हैं, इससे ज़्यादा कलर याद नहीं। तो मैं आप लोगों से पूछूँ कि ये वाला कलर कौन सा है इस जगह पर आ रहा है, तो आप इसका नाम नहीं बता सकेंगे, यानी याद नहीं रहते। अगर हमने कोई ऐसा कलर अपने पेज का सेट करना हो जिसका मैं नाम ना आता, बेसिकली एक तो पहली बात तो ये देख लें कि वेब पे 16 मिलियन कलर्स कोटेड हैं, जिन्हें वेब कलर्स भी कहते हैं हम लोग, और जो कलर कम्बिनेशन बनता है वो आरजीबी एक मॉडल है, इसके अलावा और मॉडल भी हैं, तो आरजीबी मॉडल उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर के कम्बिनेशन से हम कोई भी कलर बना सकते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने जब भी यानी कलर देना है कोई, तो उसके लिए वेब पेज में एक तो ये कि स्टार्ट में आप यूज़ करोगे नंबर साइन, ठीक है, नंबर साइन आएगा, और दो डिजिट में, और दो डिजिट कौन से होंगे, हेक्सा नंबर के, हेक्सा नंबर कौन से होते हैं, 0 से 9 तक और ए से एफ तक। दो पहले होंगे रेड के लिए यानी आर, फिर दो होंगे ग्रीन के लिए, और आखिरी दो किसके लिए होंगे, ब्लू के लिए। और इसमें मिनिमम वैल्यू तो 0-0 ही होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इनकी, FF हो सकती है, ठीक है। तो इनके कम्बिनेशन से कोई भी कलर बना सकते हैं आप। तो हम चेक करते हैं कि अभी रैंडमली एट रैंडम अगर हमको ये नंबर कलर जनरेट करना चाहें, चले मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर ही सेट करता हूँ, देखते हैं कि क्या कलर बनता है। उसके लिए एट्रीब्यूट कौन सा था, BG COLOR कलर, ठीक है। और मैंने कहा कि पहले आपने क्या लगाना है, नंबर साइन, और फिर कोई भी नंबर पास कर दें, चलें और मैं ए पास कर देता हूँ। तो ये ज़्यादा डिजिट हो गया, आई थिंक सो, नहीं ज़्यादा हो गया, अब 6 पूरे हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं जी कलर कौन सा बना है हमारे पास। इसको रीलोड करवाएंगे पेज को, और फिर देखते हैं जी कोई एक पर्पल टाइप कलर बन गया, ठीक है। अब ये तो था कि एट रैंडम आप कभी हिट करते हैं, कभी कौन सा बनता है, कभी कौन सा बनता है। नॉर्मली रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने अपने वेब पेज में एक इमेज लगाया, से ये लगा हुआ है, अब आपको इसके इस वाली साइड भी ये वाली कलर की चाहिए, इस वाली साइड भी ये वाली चाहिए, ताकि पता ना चले कि इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कहाँ पर एंड हो रहा है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है, अगर ये सेट करनी हो कि पता ना चले कि कौन सा कलर है एग्जैक्ट मैच करना हो आपने, तो इसके लिए दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप लोग कलर पिकर्स के नाम से छोटे छोटे टूल्स आते हैं, वो नेट से फ्री डाउनलोड हो जाते हैं, मेरे ख्याल में मैंने इंस्टॉल भी किया था, तो मैं चेक करवा देता हूँ। उससे आप
वैल्यू चेक कर सकते हैं कि क्या है। ये इंस्टॉल किया हुआ देख लेते हैं कहाँ पे पड़ा है ये। एक छोटी सी एप्लीकेशन है ये, बेसिकली इस जगह पे आपको कलर बताती है जो भी हेक्सा का चाहिए और रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज यहाँ पे बताती है। हाँ जी कोड बता देगी। अब अगर हम वेब पेज को सामने ओपन कर लें और मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो ये मुझे 845A बता रही है। ये तो है टूल। अगर बिलफर्ज आपके पास ये टूल ना हो और फिर भी आपने ये कलर पता करना हो कि ये कलर कौन सा है, तो वो तरीका मैं बताने लगा हूँ कि वो किस तरह से पता चलेगा। सिंपली आप क्या करें, पिक्चर को अपनी को माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन कर लें। ये वाली पिक्चर है ना जिसका हम कलर सेट करना चाह रहे हैं। सेम मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉप कॉर्नर पे जो कलर है ना वही मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर हो। तो एक टूल होता है हमारे पास कलर पिकर के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे लाया और ये मुझे एक जो पिक्सल है उसका कलर मैं जब क्लिक करूँगा तो इस जगह पे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। ये कलर आ गया, ठीक है। अब ये कलर तो आ गया, अब इसकी वैल्यूज़ क्या है, रेड की क्या वैल्यू है, ग्रीन की क्या वैल्यू है और ब्लू की क्या वैल्यू है, ये बता दी। ये रेड की वैल्यू है, ये ग्रीन की वैल्यू है, ये ब्लू। लेकिन हमने तो कहा था कि जो वैल्यूज़ होंगी वो टू डिजिट में होंगी, यहाँ किस में आ रही हैं, थ्री में। तो ये थ्री डिजिट बेसिकली किस में है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। तो या तो आपको कन्वर्जन आती है यानी इसको 16 पे डिवाइड करते जाएं और जो बाकी बचे उसका फिर आप हेक्सा नंबर बना लें। अगर ये भी नहीं आता तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करें और इसका जो व्यू है प्रोग्रामर व्यू, या अगर आपके पास विंडोज़ एक्सपी वगैरह है तो साइंटिफिक व्यू जो होता है या डिटेल व्यू, वो ओपन कर लें। अब पहला नंबर क्या हमारा 114, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी 114 और इसका हेक्सा नंबर। बेटा ये नोट कर लें, आप नोट करते हैं क्या बना है, 72 बना है, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं और अगला 127 है, 127 सॉरी, पहले इसको हेक्सा डेसिमल पे क्लिक करेंगे और क्लियर करने के बाद 127 इसका हेक्सा नंबर क्या बात है, 7F। ये सेकंड नोट कर लें और इसको भी क्लियर करते हैं और वापस डेसिमल पे लेके आते हैं और 144 और इसका हेक्सा क्या बन रहा है, 90, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया और अब हमने क्या करना है, इस जगह पे जाके बेटा पहला बताएं वैल्यू क्या थी, 72 फिर 7F90। ये कलर था जो कि हम मैं लगा के ये कलर है जो हमने एक पिक्सल चूज़ किया था। तो अब जाके हम वेब पेज पे चेक करते हैं, इसको रीलोड करवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसके साथ इस जगह का हमने कलर चूज़ किया था तो इसके साथ मैच हो गया। अब चूँकि ये मल्टी कलर इमेज था इसलिए एग्जैक्ट तो यानी सारी साइडें मैच नहीं हुई, लेकिन ये वाली साइड तकरीबन मैच होगी। तो यानी अगर आपने ऐसा इमेज कैसे मैच करता हुआ कलर बनाना हो तो फिर ये तरीका आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कोड याद करना है, कोड नहीं याद करना, हमने तरीका याद करना है, ठीक है। तरीका याद करना है कि तरीका क्या लग